Hello guys, first of all a very thank you to all of you. Now we are having more than 50,000 subscribers on our channel. It could happen just because of you. And I read all your beautiful comments. It really makes me happy. It really motivates me to make more videos. So guys, here is another video where you are going to get some interesting sentences related to our daily life. Hello guys, I'm Nick and you're watching Let Me Flow. Without any further ado, let's jump to the video. क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? Don't you feel shy? या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, Don't you fight shy? तुम किसका पीछा कर रहे थे? Whom were you following? क्या उसने तुम्हें देखा? Did she see you? उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो. Don't ruin her life. तुम कुछ गलत नहीं कर सकते हो. You can't do any wrong. यह करने की तुम्हें आज्ञा किसने दी? Who gave you permission to do it? मेरा यहाँ दम घुटता है. I get suffocated here. मेरे साथ कोई नहीं है. No one is with me. तुम उसका साथ देते हो. You support him. या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, You stand by him. मैं तुम्हें ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था. I didn't want to hurt you. मेरा यह इरादा बिल्कुल भी नहीं था. It was not my intention at all. मैं यही सुनना चाहता था. This is what I wanted to listen. मेरे ऊपर पानी की छींटे मत फेंको. Don't splash the water on me. क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है? Don't you have manners? क्या तुम स्कूल में यही सीखते हो? Do you learn it in school? तुम एक बेवकूफ़ हो. You are a moron. तुम चुप क्यों हो? Why are you mum? यह तुम्हारी हैसियत से बाहर है. It's beyond your capacity. मेरे पास उसकी बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं. I have many pics of her. यह तो होना ही था. It was bound to happen. तुम्हें अपना रंग दिखाना ही था. You had to show your status. इसका क्या मतलब है? What does it mean? मैं उसका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ. I am big fan of him. मैं उसके खिलाफ कुछ गलत नहीं सुन सकता. I can't listen any wrong against him. मुझ पर बस यह कृपा कर दो. Just do me this favor. उसको इसमें मत घसीटो. Don't involve him in this matter. उसको इससे दूर रखो. Keep him away from it. मेरी अंग्रेजी बोलचाल में रुचि है. I have interest in English conversation. अपभाषा का उपयोग मत करो. Don't use abusing language. मैंने गरीब बच्चों की मदद की. I helped unprivileged children. या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, I helped poor children. मेरे मन को शांति मिली. I got peace to my mind.
यह मैंने जानबूझकर किया। आई डिड इट इंटेंशनली, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं आई डिड इट डेलिबरेटली। चलो भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्रोसीड टेकिंग द नेम ऑफ गॉड। मैं किसी की खुशियाँ छीनना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू स्नैच एनी वंस हैप्पीनेस। भगवान की दुआ से, बाय गॉड्स ग्रेस मैं अच्छा कमा रहा हूँ। आई एम अर्निंग वेल, इसलिए मैं दूसरों की मदद करता हूँ। सो आई हेल्प अदर्स। यह हमारी भलाई के लिए है। इट्स फॉर आवर वेलफेयर। मैं यह करने से पीछे नहीं हटता हूँ। आई डोंट बैक आउट टू डू इट।